दुष्चरित्रता के गर्त में गिरना, दुष्चरित्रता के गर्त में गिरना ये तो बहुत ही जो है आपका तो उधर होगा ना, नहीं इनको एक उनको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत ना, नहीं है बहुत मानस संन्यास 27 अप्रैल आनंद रस रत्नाकर आज का पृष्ठ है मुंडक सुधा पृष्ठ संख्या 187 188 201 202 203 पांच पृष्ठों में से। सुबह आपसे जो मैंने आज्ञा ली थी ना मार्डस उपनिषद की, उसकी जगह पहले मुंडक सुधा पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन, क्योंकि वहाँ बिल्कुल भी है नहीं एकदम द बेस मुंडक सुधा ही नहीं, उपनिषद सब एक जैसे ही हैं, चाहे मुंडक करो चाहे मांडव्य करो, उसका बेस नहीं है तो फिर यार तो वो तो कर ही दिया ना उन्होंने, तो बेस तो हो ही गया। बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स, बड़ा अच्छा रहा तब तो बहुत साधना, वही तो बेस है तो बड़ा। बाकी उपनिषद तो कोई भी उठाओ एक ही सीधा ही करते, ऐसा थोड़ी है कि मुंडक उपनिषद फर्स्ट है, ऐसा थोड़ी है। तो एक बार मुंडक उपनिषद देखो लोगों को मतलब कैसा लगता है, मुंडक सुधा करके मुंडक में भी वो ले लेना उसका मुंडक भाष्य, उसका भाष्य का अर्थ मुंडक पे इनका तो नहीं है, निशान जी का नहीं है, महाराष्ट्र का काफ़ी है, पर्याप्त है मुंडक सुधा ही ना, सिर्फ महाराष्ट्र का ही। हाँ महाराष्ट्र का, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ा भी हुआ नहीं, मैंने भी तो नहीं ना मांडू कार्यक्रम करती, कोई बात नहीं गॉड पास साहब तो कर लिया था, ये मांडू कार्यक्रम पूरा चारों नहीं कर रखा थोड़ा सा बाकी जैसे आप आ गया। नहीं बिल्कुल मुंडक सुधा एक बार पढ़ लो मानस संन्यास, तो आज का पृष्ठ है मुंडक सुधा, वहाँ जो चलता है ना ठाकुर द्वार में जो चलता है सत्संग उसके लिए। मानस संन्यास में आज महाराज श्री इस बात को रखेंगे कि अब ये जो है महीने का अंत है इसलिए वेदांत के पृष्ठ हैं, तो महाराज श्री इस बात को रखेंगे कि उपनिषद का है तो उपनिषद में जो लक्ष्य रखा गया है वो ये रखा गया है कि दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, तो इस लक्ष्य के कारण हम देखेंगे आज के पृष्ठ में अभी शुरू करते हैं वो श्लोक बोल लीजिए। वहाँ आनंद रत्नाकर सब अपना अपना इंडिविजुअल करते हैं, पेज होता है सुबह ऐसा होता है कि सबके नियम है कि अन्न छूने से पहले सब अपने घरों में करेंगे, फिर 11 बजे के करीब 10:30-11 बजे आके ठाकुर द्वार में, जैसे मेरे पास 10 मिनट की याद है उस समय मेरा तो एक नियम नहीं है इसी को फिर दोबारा करते, फिर शाम के समय तीन बार हो जाता है। उनके यहाँ ये श्लोक बोल के ही फिर बात में करें। तो यहाँ पर मैं जो बता रहा था कि आज के पृष्ठ में चूंकि उपनिषद का प्रसंग है तो उपनिषद में उपनिषद यानी एंड, अब इसके बाद कुछ ऐसा नहीं है कि जाके कुछ करना है ना, कोई अब दूसरा हमारे
ये कार्य नहीं है, इतने शुद्ध कार्य ही है। तो दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति जब लक्ष्य है तो वो कैसे होगी, उसके लिए भगवान शंकराचार्य जी ने ये कहा कि अब तक जो भी तुमने किया तो ज्ञान निष्ठा क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि सर्व कर्म संन्यास, कर्म जो है वही हमको बार बार वापस उसमें कारण बन रहे हैं ज्ञान निष्ठा के ना होने में। तो सर्व कर्म संन्यास जो है, अब ये एक विचित्र बात आ गई, क्योंकि सर्व कर्म संन्यास जैसे हमने ले लिया महर्षि से, तो महर्षि आज के प्रश्न में समझाएंगे कि चलो ये बाह्य संन्यास है उसको हम अभी न भी, मतलब उसका उसके अधिकारी हैं या उसको अभी न भी लें बाह्य संन्यास, फिर भी उपनिषद के ज्ञान के लिए मानस संन्यास तो बहुत ही जरूरी है। तो वो मानस संन्यास क्या है वो आज के प्रश्न में बताएंगे, क्योंकि वो सबके काम की बात है, क्योंकि बाह्य संन्यास तो हर कोई व्यक्ति नहीं ले पाएगा, और मानस संन्यास क्या है वो आज बताएंगे। तो शुरू में ये बता रहे हैं कि जिज्ञासा में ही एक बहुत बड़ी बात आ जाती है कि जिज्ञासु, गृहस्थ भी जिज्ञासु है और एक ब्रह्मचारी भी जिज्ञासु है। तो गृहस्थ जिज्ञासु के लिए क्या, मतलब एक विशेष कंडीशन आ जाएगी क्या, क्योंकि एज ए गृहस्थ, सामान्य गृहस्थ, मतलब जिज्ञासु टाइटल मत लगाओ, तब तो लगता है कि वो थोड़ा सा क्रोध आ जाता है या काम आ जाता है, तो नथिंग रॉन्ग विद दैट। पर जैसे ही जिज्ञासु टाइटल लग जाएगा तो गृहस्थ के लिए फिर उसका भी मना हो जाएगा, ये सबसे पहले ये समझा रहे हैं। गृहस्थ के मन में, हाँ पढ़ी, 27 अप्रैल, मानस संन्यास। गृहस्थ के मन में थोड़ा काम आया पत्नी पति के प्रति और थोड़ा क्रोध आया, स्त्री बच्चे के प्रति तो कोई पाप तो है नहीं, तब भी यही माना जाएगा कि वह गृहस्थ बड़ा शांत या शम संपन्न, किसी से दुश्मनी नहीं जोड़ता है, चोरी बेईमानी नहीं करता है, वह तो प्रशंसा करने योग्य है। अब देखो, वेदांत का जिज्ञासु होकर के कोई व्यक्ति गुरु के पास गया तो उसका मन विचार में लगना चाहिए। अब वहाँ जब अपने पति अपनी पत्नी के प्रति भी काम वासना न हो, अपने घर के लोग भी बिगाड़ करें और उनके प्रति क्रोध न आए, तब उसे शम संपन्न कहा जाए, क्योंकि वहाँ तो यह है कि वेदांत विचार करना हो और वह कामनाग्रस्त अथवा क्रोधग्रस्त हो तो वेदांत विचार बिल्कुल नहीं होगा। तो जिज्ञासु के लिए जो शम आदि गुण है वह गृहस्थ के शम आदि गुणों से गहरे होते हैं, यह हमारा कहने का अभिप्राय। तो एक सामान्य गृहस्थ है उसके शम आदि गुण तो पहले पैराग्राफ में लिखा महर्षि ने, वो तो यही माना जाएगा कि गृहस्थ बड़ा शांत है, थोड़ा बहुत क्रोध आ जाता है कभी ऐसे, है ना, किसी से दुश्मनी नहीं जोड़ता, चोरी बेईमानी नहीं करता, तो वो तो प्रशंसा करने योग्य। पर महर्षि कह रहे हैं कि अब जो जिज्ञासु है तो जिज्ञासु के लिए तो शम जो है वो विशेष हो जाएगा, गृहस्थ के समाधि गुणों से गहरे होते हैं। तो गहरे होते हैं का मतलब वो जो प्रशंसा करने योग्य जो पहले पैराग्राफ में था अब वो छूट गया, क्यों, क्योंकि तो अब उसको थोड़ा भी आ गया क्रोध या थोड़ा भी काम वासना आ गई। तो वहाँ महर्षि कह रहे हैं कि यह है कि वेदांत विचार करना हो तो कामनाग्रस्त अथवा क्रोधग्रस्त हो तो वेदांत विचार बिल्कुल नहीं होगा। यह हमारा कहने का अभिप्राय है। पढ़ो, गृहस्थ के लिए तो जिज्ञासु के लिए जो शमादि गुण है वह गृहस्थ के शमादि गुणों से गहरे होते हैं, ये हमारा कहने का अभिप्राय है। गृहस्थ के लिए तो किसी किसी दशा में काम क्रोध लोभ मोह इनका विधान है, परंतु जिज्ञासु के लिए चित्त में तो यह बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए का मतलब कि गृहस्थ के लिए तो किसी किसी दशा में काम क्रोध लोभ मोह इनका विधान है, पर अब उसके गृहस्थ के साथ में जिज्ञासु टाइटल लग गया ना,
तो अब वो जो जिज्ञासु गृहस्थ हो गया, अब बोले कि अब महाराज आपने कहा कि उसका विधान है, बोले नहीं अब नहीं है, क्योंकि अब वो गृहस्थ नहीं है, जिज्ञासु गृहस्थ है। यहाँ पर ये प्रज्ञा अपराध आ जाएगा ना, अगर करता है प्रज्ञा अपराध, यानी समय तो लगेगा ना। प्रज्ञा अपराध तो ये तो एक मतलब हिंट दिया जा रहा है, नहीं जैसे करते हैं, जैसे हम जिज्ञासु के पंक्ति में नहीं भी अधिकारी ना होने कारण आपने जो दिया है कृपा, तो अगर ये करते हैं तो प्रज्ञा अपराध में ही आएगा ना। आएगा तो प्रज्ञा अपराध में है, पर वहाँ पर भी फिर वही आ जाएगा ना कि प्रज्ञा अपराध तो जैसे मैंने बताया कि महाराष्ट्र के जीवन में नहीं था, है ना, हम सब लोगों के जीवन में है जी। तो उससे हमको कोई इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं बननी चाहिए, इसलिए ये कह रहे हैं कि समय तो लगेगा, है ना। ये तो एक मतलब बताया जा रहा है कि जिज्ञासु गृहस्थ के लिए अब आदर्श क्या है, तो आदर्श क्या है, तो आदर्श तो वहाँ तक पहुँचना है ना हमको जी, जी, जी। तो अभी कितनी बार गिरेंगे, कितनी बार उठेंगे, कितनी बार चलेंगे, ये जो प्रज्ञा अपराध नहीं हो, ये तो एक मतलब हम आदर्श ले रहे हैं, है ना। पर वो बनेगा क्यों, क्यों बनेगा, क्योंकि जो स्वभाव है वो स्वभाव जो है वो तो अनुगत है ना। तो अब जैसे आ गए ये दोनों, है ना, अब आ गए तो बड़ौदा से बिल्कुल कट ऑफ हो गए, ऐसा थोड़ी है, स्वभाव से वो चित्तवृत्ति जाएगी, है ना। पर फिर भी कोशिश उनकी यही है कि भाई चित्तवृत्ति वहाँ जाने की जरूरत क्या है, मैं वर्तमान में रहो। अब वो साधु आपका ब्रजेश नारायण, तो वो मैंने सुनाया कि नहीं, मैंने सुनाया कि परसों कल की या परसों की बात है कि वो स्वामी जी सुबह से ऐसा हुआ और वैसे हुआ और वैसे दो तीन वाक्य बोला, तो अब उससे हमको तो उसमें कोई सुनने में रुचि थी नहीं, तो हमने फिर बताया उसको, समझाया, हमने कहा कि रात गई बात गई, अब सुबह से क्या हुआ तुमको, उससे क्या मतलब है भाई, कोई या तो बताते कि भाई ऐसा कोई बहुत बड़ा दिव्य चमत्कार हुआ, या कोई एक ठाकुर जी की कोई बात सुना रहे, हाँ हेडेक था और ये था वो था, या कोई इंतजार और दूसरी कोई घटना, तो ये कहने का मतलब ये होगा, पर उसमें हमको धैर्य रख के अपने लिए तो मतलब बस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फिर उठे, फिर गिर गए, फिर उठे, है ना। और दूसरों के लिए उनका भी देखते हुए कि भाई अध्यात्म में बताया है कि उस चीज़ के लिए तो इंद्रिय को वहाँ जाना पड़ेगा, जैसे आँख जो है, आँख को जाना पड़ेगा कि भैया क्या है, दाल है कि क्या सब्जी बन रही है, यहाँ से बैठ के आप नहीं देख सकते, और कुछ चीज़ है जो आपके पास आएगी नाक तो हमारी यहाँ है और वो वहाँ से आ रहा है तो ये मतलब इसके ऊपर भी बड़ा विचार हुआ है वेदांत में, कौन सी ज्ञानेंद्रियाँ हैं जो कि वृत्ति वहाँ जानी पड़ती है, कौन सी ज्ञानेंद्रियाँ ऐसी है जहाँ की वृत्ति जानी नहीं पड़ेगी, वही स्वयं ही आएगा, आके बताएगा कि मैं यहाँ हूँ। श्याम जी सोच रहे कि अब ये कौन सा विषय निकाल लिया। तो कह रहे हैं कि वो ठीक है आपकी बात, प्रज्ञा अपराध एक आदर्श है, मतलब प्रज्ञा अपराध नहीं होना चाहिए, ये एक आदर्श है, और उस आदर्श के लिए हमको निरंतर प्रयत्न करते रहना है। हो गया अपराध तो चलो कोई बात नहीं, उसका प्रायश्चित या जो भी हमको समझ में आवे, इसलिए महाराज ने लिखा है ना, क्रोध आ जाता है, आ जाता है तो फिर उसका कोई ऐसा दंड ले लो भाई, कभी हाँ नमक नहीं खाएंगे, या हमने श्याम जी के लिए एक बनाया था नियम, चल रहा है महाराज, जिस दिन मैं देर से आऊंगा स्वामी जी 500 रुपए मेरे को दे। नहीं, मैंने तो ऐसा बनाया था ये देंगे, पर ये क्या कर रहे हैं कि कुछ मेरा रखा हुआ है इनके पास, तो उसमें से काट रहे हैं। तो हमने आशा छोड़ दी है कि क्या मिल रहा है वो, क्योंकि ये इनका तो बहाना मिल गया ना कि ये तो पूरा ही कट जाए, जो बढ़िया तो ये महाराज जी कह रहे हैं कि ये और कह रहे हैं गृहस्थ के लिए, किसके, जो जिज्ञासु गृहस्थ है,
जय जय जय। अच्छा अब महर्षि आगे कह रहे हैं कि अब मानस संन्यास जो अपना आज का हेडिंग है इसको लेके कि एक शरीर को कपड़ा पहनकर संन्यास होता है, इसका नाम दिया महर्षि ने बहिरंग संन्यास, और एक मानस संन्यास होता है। मानस संन्यास की परिभाषा महर्षि स्वयं कर रहे हैं, जिसमें कर्म और कर्म फल की आस्था बिल्कुल छोड़ दी जाती है। तो मानस संन्यास का अर्थ क्या है कि हम बाहर से सन्यासी नहीं हैं, पर हम चाह रहे हैं कि भाई हमारा भी प्रवेश हो किसी कारण से। जैसे स्वामी जी ने सन्यास लिया वैसे तो हम नहीं ले सकते, पर हम चाहते यही है कि हमारा भी जीवन बिल्कुल वैसा ही हो जैसे कि एक सन्यासी का होता है। तो उसके लिए शब्द है मानस संन्यास। पर अब मानस संन्यास की परिभाषा है वो उसको व्यक्ति को समझनी पड़ेगी। वो क्या है? बोले कि कर्म और कर्म फल की आस्था इसमें बिल्कुल छोड़ दी जाती है। तो कर्म जो होंगे, कर्म कौन से हो रहे हैं? खाने पीने का कर्म हो गई है ना, शौच आदि का कर्म हो गई, ये कर्म जो हैं आवश्यक कर्म होते रहेंगे, सोना है, उठना है, बैठना है ना। पर उसके अतिरिक्त कि भाई मैं कर्म करूँगा तब जाके ये जीवन निर्वाह होगा, ये बात ख़त्म हो जाती है ना, तब जाके मानस संन्यास हुआ। बोले फिर कर्म फल, तो कर्म फल की आस्था, तो कर्म फल की आस्था मतलब हम चलो कर्म की आस्था तो छूट गई, पर कर्म फल की आस्था से मतलब ये है कि भाई जो भी हम हैं इस समय श्याम जी परिवार में है, तो श्याम जी हम कल्पना करें कि थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई, 70-80 के हो गए, तो अब कर्म की आस्था तो छूट गई, पर कर्म फल की यानी मैंने जो किया है इतना बच्चों के लिए और परिवार के लिए, तो उसकी फल की आस्था है कि नहीं? बोले वो तो है। क्यों? क्योंकि वो तो बच्चों को करना ही चाहिए, जब हमने इतना किया पूरा जीवन लगाया तो बच्चे, ये कर्म फल की आस्था होगी, तो ये मानस संन्यास नहीं हुआ। देखिए बहिरंग संन्यास तो ले नहीं पा रहा है है ना, पर अब घर में बैठ गए, ये कर्म और कर्म फल की आस्था कहाँ छूट रही है? तो इसलिए कह रहे हैं कि वो बिल्कुल छोड़ दी जाती है। बोले कि हाँ हम ये स्वीकार करते हैं ये परिभाषा। तब महर्षि कह रहे हैं कि यदि संन्यास शब्द का अर्थ आप मानस संन्यास ग्रहण कर लें है ना, संन्यास का चलो बहिरंग संन्यास न लें, पर मानस संन्यास जिसकी डेफिनेशन महर्षि ने दी है वो उसको ग्रहण कर लें, तो हम बिल्कुल खुले आम डंकी की चोट पर इस बात को समझा सकते हैं कि बिना सन्यासी हुए, मतलब बिना मानस सन्यासी हुए किसी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो बोली ये कंडीशन आपने क्यों लगाई? तो उसका अगले वाक्य में बता रहे हैं, बात यही हुई कि जो निवृत्ति परायणता है ना, वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि कर्म और कर्म फल की आस्था जो है, तो ईश्वर में आस्था कहाँ हुई? तो इसका मतलब फिर वो प्रवृत्ति हो गई हमारी। तो निवृत्ति परायणता जो है वो मानस संन्यास में आनी ही पड़ेगी, तब जाके परमात्मा की प्राप्ति होगी। यदि परिच्छिन्न वस्तु में तुम्हारा आग्रह बना रहेगा, सीधी बात अब महर्षि समझा रहे हैं, परिच्छिन्न वस्तु में तुम्हारा आग्रह का मतलब मैं गोविंदानंद और हमारे जो ये श्याम जी है ना, 4 साल से हम इनको ये कर रहे हैं, तो श्याम जी को इतना तो करना ही चाहिए। तो यदि परिच्छिन्न वस्तु में तुम्हारा, तो श्याम जी परिच्छिन्न, हम परिच्छिन्न, अपरिच्छिन्न कौन? ठाकुर जी। तो अखंड परमेश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि भाई श्याम जी कौन से श्याम जी? ये नहीं, बिहार जी वाले श्याम जी में तुम्हारी आस्था रहती तब तो तुम्हारा ठीक था, पर इन श्याम जी को पकड़ाना, तो ये तो अभी इससे काट रहे हैं तुम्हारा। गलत जगह नंबर लगा। तो इसीलिए महर्षि मतलब फिर से हमको सावधान कर रहे हैं कि परिच्छिन्न वस्तु में आग्रह नहीं रहना चाहिए। खंड परमेश्वर की प्राप्ति तब होगी जब इनको सबको छोड़ो, मन एक साथ दो वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जो अल्प वस्तु के ज्ञान में लगेगा उसको अखंड वस्तु का ज्ञान नहीं होगा, और जिसको अखंड वस्तु का ज्ञान होगा उसके अल्प वस्तु छूट जाएंगे, है ना। तो ये अल्प वस्तु जो है छुड़ाना हो तो श्याम जी से मिलो। तो यदि यदि तुम्हें ईश्वर की ओर चलना है तो संसारी भाव को छोड़ना पड़ेगा, और संसारी भाव को पकड़ोगे तो ईश्वर छूट जाएगा।
तो संसारी भाव जो है वही बाधक है और बाकी कोई बाधा नहीं है। बोले नहीं, संसारी भाव तो पकड़ना ही पड़ेगा, तो फिर ईश्वर छूट गया, फिर ईश्वर नहीं मिलेगा। संसारी भाव छोड़कर ईश्वर की ओर चल जाएगा। ठीक है, ये मुंडक सुधा बढ़िया है, मुंडक सुधा ही कर लीजिए। इतना आसानी से समझा देते हो कल